यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फर्मित केमिस्ट्री बाय दीपक प्रजापति। आज पढ़ने वाले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। क्या? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पहले से ही अमीर है, आप और इलेक्ट्रॉन दे दोगे अनस्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो स्टेबल हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली फंड क्या हो जाएगा, ई डब्ल्यू जी, जितने भी माइनस आई वाले हैं, माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई। ई डी जी में क्या आएगा? वही सारे प्लस, प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई। आई चेक करते हैं, दो ध्यान से, आर क्या लगा देगा वो यहाँ पे? प्लस आई। आर क्या लगा देगा? प्लस आई, है ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये और इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा ये, ठीक है, कि मिथाइल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, ठीक है, क्लियर। क्यों? आर का प्लस ज्यादा है। यहां देखो एच टी और डी में, एच टी और डी में, ठीक है, एच टी और डी में किसका ज्यादा था प्लस आई? टी का प्लस है सबसे ज्यादा, फिर डी का, फिर टी एच का। क्या होगा? टी का प्लस है ज्यादा, फिर डी का उससे कम, क्या हो जाएगा? स्टेबल। यहां देखो सीएल क्या लगाएगा? माइनस आई। कहां लगाएगा? माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, ठीक है। इसमें एक और फंडा है, कृपया ध्यान दे सब में, इसमें लगता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। हमने इस रेजोनेंस के स्टार्टिंग में समझाया था डी ऑर्बिटल रेजोनेंस क्या होता है। क्लोरीन का क्या है? वैकेंट डी है। क्लोरीन का क्या है? वैकेंट डी। क्या हो जाएगा? बीबी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसे बीबी हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज। तीन सीएल है, एक्सटेंट ऑफ बंधन क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसमें दो सीएल, इसमें एक सीएल, क्लियर है। यहां चेक करो सील क्या लगेगा? माइनस आई। यहां पे माइनस आई, यहां पे क्या है? माइनस आई है, क्लियर है। इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है क्योंकि यहां पे कार्बन आ चुका है। क्या चुका है? कार्बन। सील क्या चेक करें? माइनस आई। यहां माइनस आई क्या होगा? सबसे ज्यादा। यहां थोड़ा सा कम, यहां सबसे कम। सर क्यों? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम इफेक्ट होगा। ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। यहां देखो CH3CH2- CH2 डबल बॉन्ड CH- और HC ट्रिपल बॉन्ड C-, व्हिच इज मोस्ट स्टेबल। ये बताया था फंडा क्या, ये हमने पढ़ा रखा चार्ज स्टेबिलिटी में। आप देख सकते हो यहां बताया था मैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इज मोर स्टेबल। तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम, इससे कम। इवन सीएसटी क्या लगा रहा है? प्लस आई, वो तो अनस्टेबल करेगा, क्लियर। यहां देखो 2RS, यहां कितना आएगा? 5RS, क्लियर। सेम ये देखो, यहां 5RS, यहां पे क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। यहां पे तो और ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। यहां चेक करो ये C- क्या होगा रेजोनेंस में, ठीक है। 2RS देखो, यहां भी रेजोनेंस कर रहा है और यहां भी रेजोनेंस कर रहा है, भले क्रॉस है लेकिन इससे क्या है? ज्यादा है, ठीक है। यहां देखो तीन तरफ है, ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, ऑफ कोर्स इसमें, ठीक है। यहां देखो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। सब क्या लगाएंगे मेटा पे? प्लस आई। इसका कम, इसका और ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, और इसका क्या होगा? सबसे ज्यादा, क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे और प्लस आई बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ए बी सी डी, ठीक। यहां देखो यहां पे कैसे करेंगे? अल्फा एच, तीन अल्फा एच, जीरो अल्फा, सॉरी दो अल्फा एच, एक अल्फा एच और जीरो अल्फा एच, ठीक है। तो सबसे कम रेजोनेंस किसका होगा? ये देगा, इसे मोस्ट स्टेबल, डी सी बी, क्लियर। ये हमने 10 क्वेश्चन किया है और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हम लोग। चलिए नेक्स्ट 10 बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लोरीन क्या लगाएगा? सिर्फ माइनस आई। क्या लगाएगा? माइनस आई। इसका क्या होगा? सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम, ठीक है। तो ये सब खींचू है, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। ये क्या होगा? इसमें कुछ नहीं लगा है, क्या हो जाएगा? लीस्ट, मतलब एक स्टेबिलिटी का जाएगी लीस्ट। सबसे ज्यादा कौन खींच रहा है? ये वाला। क्या हो जाएगा? बी सी डी ए, सही है। सी एस थ्री बताओ, और तो क्या लगाएगा? प्लस एच और प्लस आई। यहां क्या लगाएगा? प्लस आई, या प्लस एच और प्लस आई। दो ध्यान से, प्लस एच प्लस आई यहां पर क्या है बताओ? ये सब क्या है? डोनेटिंग है, विच इज मोस्ट स्टेबल, ए। हमने आपको सिखाया कि जब भी ऑर्डर बनाना हो तो आप लीस्ट और मोस्ट पहले लिखा करो, क्यों? ऑप्शंस कट जाएंगे आसानी से। अब देखो सबसे कम इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ये तो सी।
सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? ये सबसे ज्यादा दे रहा है, ये उससे कम और ये सबसे कम, ठीक है। बताओ कौन ज्यादा आ जाएगा फिर? डी और बी, ठीक है। यहां चेक करो, देखो ये प्लस एम माइनस आई, ये सिर्फ माइनस आई, ये प्लस एम और माइनस आई, ठीक है। कृपया ध्यान दे, खींच कौन रहा है? सर सी वाला, तो सी मोस्ट। इसके बाद क्या जाएगा? ए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अब आ रहा डोनेटिव, अगर ये प्लस एम से सेम इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? माइनस आई। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? माइनस आई, ठीक है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा है, मतलब ये मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ए बी, सही। यहां देखो माइनस एम माइनस आई माइनस आई माइनस एम माइनस आई, सब खींच रहा है, ये क्या हो जाएगा? लीस्ट। ये क्या हो जाएगा? लीस्ट, ठीक है। सबसे कम कौन खींच रहा है? ये वाला, ठीक है। इसमें देखो माइनस एम माइनस आई, ये क्या हो रहा है? माइनस एम से बराबर आ जाएगा। आई क्या करेगा? डिसाइडिंग फैक्टर, तो आई क्या करेगा? ज्यादा खींचेगा, क्या हो जाएगा? यहां पर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी और डी, ठीक। फिर से देख लो, ये क्या करता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। माइनस आई खींचा, सबसे कम खींचेगा तो सी आ गया। अब बी और डी देखो, ये ज्यादा खींच रहा है, क्या हो जाएगा? बी। इसमें देखो एनोड क्या है? माइनस एम माइनस आई। सी एच ओ क्या है? माइनस एम माइनस आई। क्लोरीन सिर्फ माइनस आई। सी एच थ्री प्लस एच प्लस आई। ओएच क्या होगा? प्लस एम माइनस आई, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? इसका, फिर ये, ठीक है। सिंपल सा, ये तीन खींचने वाले हैं, दो देने वाले हैं, ठीक है। इधर आओ, काफी फेमस क्वेश्चन है। सी एफ थ्री माइनस सी सी एल थ्री माइनस विच इज मोर स्टेबल? कौन होगा? सी सी एल थ्री माइनस। रीजन क्या है? देखो ध्यान से, सी पे माइनस यहां पे आप एफ लगाओगे और सी पे माइनस आप क्या लगाओगे? सी एल। बात सोचोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या सोचोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर एफ का माइनस आई ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो मैं क्या बोलता हूं? ए ई आर एच आई, कई बार बोल चुका हूं। तो इंडक्टिव सबसे लास्ट में चेक करते हैं। यहां पे क्या है क्लोरीन पास? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अभी बताया था कुछ एग्जांपल पहले, क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। सर इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसे पूछता है, एक क्लोरोफॉर्म है CHF3 और एक क्लोरोफॉर्म CHCl3 विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। बता दे स्टेबल, अब पूछता है एसिडिक नेचर। एक क्लोरोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म विच इज मोर एसिडिक, ठीक है। तो आंसर आता है क्लोरोफॉर्म। सर कैसे? नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां देखो CH2O माइनस OCH3 CH माइनस SCH3 क्या होगा? अब आपको लग रहेगा यार O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा खींचेगा। इलेक्ट्रोनेट चेक कर, मतलब इंडक्टिव चेक कर, उससे पहले आप चेक करो रेजोनेंस। सल्फर के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? सल्फर के पास क्या वैकेंट? कौन सा वैकेंट? 3D। क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या हो जाएगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल सी बात है, सेकंड पीरियड में कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होगा। देखो F कहां था? सेकंड पीरियड का। O कहां था? सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में कभी भी आपको डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। कहां दिखेगा? थर्ड पीरियड में। यहां देखो ये रेजोनेंस में, ये तो है रेजोनेंस में, दिस इज मोस्ट स्टेबल। सर क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में क्या आ गया? sp3 कार्बन, ठीक है। यहां पे CH2 माइनस, सी पे माइनस, ओ माइनस, इज मोस्ट स्टेबल। सी पे माइनस और ओ माइनस, इज मोस्ट स्टेबल। सर ओ पे माइनस, यहां देखो क्या होगा? सिर्फ एक बार रेजोनेंस होगा, यहां क्या होगा? यहां रेजोनेंस, फिर मूव करता जाएगा, एक्सटेंड का क्या होगा? ज्यादा। और भाई साहब दिस इज हाईली स्टेबल, दिस इज हाईली स्टेबल देन दिस। क्यों? क्योंकि ये हो जाता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। और ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। सर ये एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है? अगर आपको ये जानना है तो मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट वीडियो यही है कि व्हाट इज एरोमेटिसिटी, व्हाट इज एरोमेटिक, व्हाट इज एंटी एरोमेटिक, व्हाट इज नॉन एरोमेटिक। तो तब तक के लिए आप एंजॉय करें।